क्या होता है जब दो कम्युनिटी जो एक दूसरे की दुश्मन है, खून की प्यासी, एक दूसरे को मार देना चाहती है, जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं, मजबूरी में एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है, तो उनका रिएक्शन क्या ऐसा होता है? तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 2 के 9th एपिसोड में। एक तो इतना लंबा नाम हो जाता है यार, नाइट ऑफ द एंड, इस एपिसोड के अंदर काफी बड़ा नाम हो गया। खैर, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में यानी एलिडियंस और मार्ले लोगों के बीच में एक लड़ाई कहां से शुरू होती है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसका जवाब तो शायद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2000 साल पहले जैसे इसमें बताया जाता है कि एलिडियंस ने मार्ले लोगों को मारना शुरू किया था, तो क्या एलिडियंस जिम्मेदार है? नहीं, उस वक्त तो सत्ता तो सबको चाहिए थी, हर कोई पावर में आना चाह रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ खूनी का खेल, सिर्फ एलिडियंस तो खेल नहीं रहे थे, वो दूसरी कम्युनिटी यानी मार्ले के लोग भी खेल रहे थे। अब यहां पर एलिडियंस के पास पावर आ जाती है, वो इस पावर का यूज करने लग जाते हैं, मार्ले लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, फिर मार्ले लोग धीरे धीरे एलिडियंस को मारना शुरू कर देते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कोई बैठकर आराम से इसके ऊपर बात नहीं करता, सॉल्यूशन नहीं निकालता। और अब वो सिचुएशन आ चुकी है, एरन ने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि भाई साहब दोनों को एक साथ आना पड़ेगा अगर उन्हें बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये कत्लेआम रोकना है, वरना भाई एक के बस की बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में या मेरे दिल में ऐसा ख्याल आ रहे हैं कि एरन की कहीं ना कहीं चाल हो सकती है, क्योंकि जैसा इसके अंदर दिखाया गया, एनी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाती है कि तुम एरन को रोकोगे कैसे, क्योंकि उसको मारने के पीछे अगर हम गए यानी मार्ले के लोग उसको मारेंगे तो एलिडियंस उसे मारने नहीं देंगे। मिकासा सबसे मतलब जैसे बताया जाता है कि मिकासा तो 100% बीच में आने वाली है, एरन को वो कुछ भी नहीं होने देगी, तो कैसे रोकोगे? बातों से रोकोगे, उसे समझाओगे, क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझा तो क्या होगा? क्योंकि एरन की जैसी सिचुएशन रही है या फिर एरन ने जो भी चीजें देखी हैं, उसने अपनी माँ को जिंदा खाते हुए देख लिया है, भाई टाइटन उसकी माँ को जिंदा खा गए थे, तो जैसी उसकी मानसिकता बन गई है, इवन जैसे वो रहा है दुश्मनों के बीच में, उसको उसने जाना है कि कोई भी इंसान जो है वो एलिडियंस को जिंदा नहीं देखना चाहता, वो उनको मार देना चाहते हैं। अब यहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर एरन को समझाओगे कैसे? तो ये वाली जो फीलिंग मेरे अंदर आई कि भाई एरन कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये दोनों कम्युनिटीज आए, भले ही वो एरन मर जाए, ये मेरी प्रेडिक्शन हो सकती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, आप अपनी सोच बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो। ये 9th एपिसोड मुझे इसलिए ज्यादा पसंद आया क्योंकि दोनों कम्युनिटी जो एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करती है, आज मजबूरी में उनको आमने सामने बैठ कर बात करनी पड़ रही है, और ये जब बात कर रहे हैं ऑब्वियसली अपने एक दूसरे के गुनाह को गिनाएंगे, लेकिन देखिए दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है। मार्ले लोगों ने भी बेकसूर इंसानों को मारा है, इधर एलिडियंस ने भी बेकसूर इंसानों को मारा है, जैसे इसके अंदर दिखाया जाता है। आर्मिन की भी यहाँ पर बताई जाती है कि भैया तुम जब वहां पर क्या कौन सा होता है कोस्टल के ऊपर थे, तब वहां पर तुम अपने टाइटन के रूप में आए थे, तुमने कितने बेकसूर लोगों को मार दिया था। हर एक का गुनाह गिनाया जाता है इसके अंदर कि भाई कोई भी दूध का धुला नहीं है। बावजूद इसके इन सब बातों को भूलकर एक साथ आना होगा, वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ये एपिसोड इसलिए मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसके अंदर एक्शन नहीं है, इस एपिसोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, उन बातों के थ्रू अपने अंदर की भड़ास कैसे निकाली जा रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम कैसे लगाए जा रहे हैं। राइनर ने जैसे बताया उसने क्यों मारा था जीन के दोस्त को, मोरको शायद उसका यही नाम था। तो वैसे आने वाले एपिसोड कह सकता हूं कि काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं भाई साहब। अब एरन को रोकने की बारी आती है कि एरन को रोका कैसे जाएगा। अब प्रिडिक्शन मैंने भी लगाई थी कि भाई मार दोगे क्योंकि ये मारने से रुकेगा, या फिर इसकी सोच बदल दो, सोच बदलनी होती तो ये इंसान पहले बात ही कर लेता, फिर भी कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। हां हां जानते हैं, इतना बड़े स्केल पे तो देखो कोई भी मरने वाला है नहीं, कोई ना कोई तो डेफिनेटली इस चीज के अंदर मतलब रोकने आएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा यहां पर। अब वही चीजें तो जाननी है कि क्या है। धीरे धीरे एपिसोड वास्तव में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया पर्सनली। सच में 9th एपिसोड बहुत बढ़िया रहा है, जो दोनों के बीच के अंदर की भड़ास है कम्युनिटीज के अंदर, वो इन्होंने निकाली है, एक दूसरे के इल्जाम का गेम खेला है, तूने मारा, उसने मारा, इसने मारा, क्यों मारा, किसने मारा, ये जो चीज चली है मुझे बड़ा मजा आया था। और इसके अंदर जैसे गाबी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है 9th एपिसोड के अंदर, तो सोचा ही नहीं था भाई साहब वो ऐसा करेगी। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा परिवर्तन, उसने सिचुएशन को देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, उसने जाना है कि भाई यहां पर हर कोई बुरा नहीं है, यहां पर कोई भी जो इंसान रह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता है, अच्छे से लाइफ जीना चाहता है, उसको दूसरों से मतलब नहीं है। अब ये वाली बात उसकी समझ में आती है, वो जैसे माफी मांगती है। हां स्पॉइलर है इस वीडियो के अंदर, मैंने पहले वार्निंग नहीं दी लेकिन अब बता रहा हूं,
स्पॉइलर तो हर वीडियो में होते हैं मेरे। लेकिन एक बात ये भी सच है कि अगर एरन को रोक लिया गया, उसे जैसे तैसे मना भी लिया गया, क्या एलडियन सही रह पाएंगे? क्या उन लोगों को बाकी के लोग माफ कर पाएंगे? क्योंकि यार एक तरीके से जिसको देखकर लग रहा है या तो एलडियन जिएंगे या तो बाकी के दुनिया के लोग जिएंगे, क्योंकि लोग जो हैं अब इनको एक तरीके से राक्षस तो मानने लग गए हैं। अब जैसे एरन ने, मतलब अगर वो आगे बढ़ गया, उसने किसी को मार भी दिया आगे बढ़कर जो आइलैंड से बाहर जाकर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इंटरेस्टिंग तो है। तो आपके अपने विचार क्या हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।